ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या विश्वास समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। मलाणा, हिमाचल का एथेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है मलाणा गांव। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहां पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, आप यहां कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाणा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर, यहाँ तक की दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन हैं और उसके अपने नियम कानून हैं, जिसका वो बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिसे पूरा गाँव तबाह हो जाएगा। गाँव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वो खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गाँव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहाँ आकर बस गए। वहीं यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गाँव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास की किसी भी बोली भाषा से मिल नहीं खाती। टिल्टेपक, जहां इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब हैं अंधे। भारत में एक गांव है टिल्टेपक, जहां जोपोटेक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहां के जानवर से लेकर पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लाव जुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है, जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान वो जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गाँव की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी घर में खिड़कियाँ नहीं है। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनकी अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहां की किसी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। मत्तूर, इस गाँव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गाँव। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों के ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गाँव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहां आकर बस गए थे, तब से यहां संस्कृत ही बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहां के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गाँव संस्कृत में बात करने लगा। मत्तूर गाँव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर कोई केवल संस्कृत में बात करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का झिरी गांव। 1,000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत में बात करते हैं। झिरी के लोगों के मुताबिक उनके गांव का नाम कर्नाटक के मत्तूर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मत्तूर में 80% आबादी
ब्राह्मणों की है जिन्हें संस्कृत विरासत मिली है। वहीं झिरी में केवल एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षत्रिय और अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। कुलधरा रहस्यों में लिपटा एक वीरान गांव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है, इसी में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कि यहां के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहां का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और बस नहीं पाया। कोडिनी, ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो दो जुड़वा बच्चे होंगे। खैर किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होता, लेकिन केरल का एक गांव ऐसा है जहां हर परिवार में दो से तीन जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चे पर चार जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो ये दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोडिनी गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़े में सबसे उम्रदराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुनही दहिया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चा पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चा पैदा हो रहे हैं।